हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम NIT वारंगल। रेंज हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने रेंज के आई थिंक 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो रेंज में हमने अभी तक टोटल 6 टाइप्स कंप्लीट कर दिए हैं, और इन 6 टाइप्स में हमने अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस की रेंज कैसे निकालना है, उसको कैसे डील करना है, उसमें हमने काम किया था। तो जो लास्ट टाइप था वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, उस पर क्वेश्चन अभी हम काम करेंगे। और अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो जब इनवर्स पढ़ लेंगे तो और जो कंपोजिट फंक्शन वाला है उसके इनवर्स में काफी सवाल बनते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किस पे काम किया था कि कंपोजिट फंक्शन की रेंज मार्केट में कैसे निकाली जाती है। तो सिंपल सी फंडा था कि जो अंदर वाले की जो रेंज थी, जैसे एफ ऑफ जी एक्स में हल्का सा मैंने बता दिया था ऐसा कुछ, इस पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे जी एक्स में, यहां से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट किसका होगा, जी एक्स का, मतलब जी एक्स की क्या होगी रेंज। और वो आउटपुट फिर किस में रखेंगे, जो रेंज आएगी किस में रखेंगे, एफ में, मतलब एफ में किसके लिए काम करेगा, डोमेन के लिए काम करेगा, ठीक है सर। तो फिर इसमें रखने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आती थी वो हमारी क्या होती थी, रेंज। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइप में। मैं उम्मीद करता हूंगा कि आपको रेंज के 2-3 लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, और इस टाइप में हम स्टार्ट करेंगे रेंज, और रेंज ही फाइंड करेंगे बट यूजिंग मोनोटोनोसिटी। किसकी मदद से रेंज निकालेंगे, मोनोटोनोसिटी। सर ये मोनोटोनोसिटी क्या आ गया, रेंज यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आज हम किस पे काम करेंगे, रेंज यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की मदद से हम किस क्या निकालेंगे, रेंज। सर ये क्या आ गया नया, ये नया क्या बवाल है। अच्छा तो सर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या आ गया, सर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्चुअली क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर आएगा आगे आगे आएगा कैलकुलस में, बिल्कुल सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा, मैं उसमें आपको ढंग से सिखा दूंगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। तो आज हम रेंज पढ़ेंगे। मैं फिर बता दूं, कान खोल के सुन लेना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेंज। किसकी रेंज पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की मदद से रेंज कैसे निकालेंगे उस पर काम कर रहे हैं। तो पहले ये जो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है बढ़ना या घटना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सर ये मत बोलो मोनोटोनिक, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, नहीं बोल रहे। इंक्रीजिंग से तो फील आ रही, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ा, डिक्रीजिंग मतलब ऐसे कम होना, उस पर काम करेंगे, ठीक है सर। तो पहले मैं हल्का सा बता दूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। उसके बाद उसके ऊपर हम सवाल करेंगे, उससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो जैसे वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे ऐसे इंक्रीजिंग है, और इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। दिख रहा है अगर आपसे ओरल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा कोई बढ़ता जा रहा है, जो कम वैल्यू पर कम दे, ज्यादा वैल्यू पर ज्यादा आंसर दे, और वैल्यू बढ़े और आंसर दे, तो उसको मार्केट में बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। जो कम वैल्यू पर ज्यादा दे, और वैल्यू बढ़े और कम दिया, और वैल्यू बढ़े और कम दिया, मतलब कम पर ज्यादा और ज्यादा पर कम वैल्यू दे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। ये सिंपल सा मतलब है बस, किसका मतलब, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। बाकी मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ढंग से पढ़ूंगा, बहुत ढंग से पढ़ेंगे, इतना भी समझ के रखो, ठीक है सर। तो मैथमेटिकली अगर कोई सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है, जो dy बाई dx होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। और अगर कोई सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उसका जो dy बाई dx होता है, वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है। अगर कोई सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उसका जब dy बाई dx निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। और अगर कोई सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जब उसका dy बाई dx निकालेंगे, वो तो आगे आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर dy बाई dx नया बवाल क्या आ गया। अरे भैया आपने फिजिक्स में 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में हल्का फुल्का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकाला होगा बिना इसके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको dy बाई dx हल्का फुल्का आता होगा। जैसे मैंने मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई dx कितना आएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और e की पावर x कैसा नंबर होता है, हमेशा पॉजिटिव। किसकी, इसकी रेंज क्या होती है, 0 से बड़ी। तो ये वाला नंबर पॉजिटिव, मतलब dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव, मतलब e की पावर x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। पेश पलटा के देखो कि a की पावर x में जब a 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा नंबर है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग आता था, ग्राफ क्या आता था इसका, इंक्रीजिंग आता था। अब जैसे मैंने ये बना दिया, ऐसे समझो आप, सिंपल से एग्जाम्पल समझाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब। हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे निकाला जाता है उस पर, ये इंक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, डिक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, ये हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सेकेंड चैप्टर में, वहां हम बहुत ढंग से काम करेंगे। फिर अभी जैसे मैंने बनाया वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इस पर काम करते हैं। सो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जब हम ग्राफ देखेंगे, तो ये कैसे ग्राफ बनेगा,
जीरो रखा तो जीरो मिला, वन रखा तो वन मिला, टू रखा तो एट मिला, थ्री रखा तो 27 मिला, माइनस वन रखा तो माइनस वन मिला, माइनस टू रखा तो माइनस एट मिला, और इस प्रकार से ये वैल्यू मिली। तो ये आपका देखो ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा, तो ये कैसे फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जब हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कैसे नंबर होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। उसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ये नंबर क्या आएगा, जीरो है, जीरो से बड़ा। इट मीन्स दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। वाई, बिकॉज डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। बस इतना मतलब समझाना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब, तो इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो वन रखेंगे तो इस बार क्या आएगा, माइनस वन। माइनस वन रखेंगे तो इस बार प्लस वन आएगा। रख के देख लो, माइनस वन का क्यूब माइनस वन और माइनस प्लस वन, जीरो पर जीरो। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये ग्राफ क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है, ज्यादा वैल्यू पर कम आंसर आ रहा है, ज्यादा वैल्यू पर कम आंसर आ रहा है, कम वैल्यू पर ज्यादा आंसर आ रहा है। माइनस टू पर एट आंसर आ रहा है और प्लस टू पर माइनस एट आ रहा है, मतलब बड़ी वैल्यू पर छोटा आंसर। तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब इसका डेरिवेटिव निकाला हमने तो कितना आएगा, माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कैसे नंबर है, पॉजिटिव, उसे माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ये वाला डेरिवेटिव नेगेटिव आया, मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। बस इतना मतलब समझ में आना चाहिए। तो सर इसका यूज क्या है, सर अब हम काम की बात पे आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो है, जीरो से बड़ा है, तो उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। और अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो है, जीरो से छोटा है, तो उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। अब आपको मैं मीनिंग समझाता हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की मदद से रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है सर। हाँ सर, तो अब हम काम कर, हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे रेंज। क्या निकाल रहे हैं, रेंज। तो जिसे y इक्वल्स टू एफ एक्स कि आपने पहले डोमेन निकाली। सर डोमेन क्यों निकाली, जैसे डोमेन निकाली आपने, डोमेन है कुछ a से b, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन क्लोज भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ना, क्लोज ओपन भी हो सकता है, ओपन क्लोज भी हो सकता है, ये डोमेन ही मान लो, डोमेन इन्हीं में से कुछ आएगी, ठीक है सर। यह दोनों ओपन रहेगी कुछ, हाँ दोनों ओपन तो ले लिया, बस इसमें से कोई सा केस बनेगा। तो मान लो आपने इस फंक्शन की डोमेन निकाली, डोमेन कुछ इस टाइप से ही ए से बी आया, या तो दोनों क्लोज या तो ओपन, ये तो डिपेंड करेगा कि सवाल क्या है, ठीक है सर। तो खैर कुछ ऐसा इंटरवल आया मान लिया, और आपने फंक्शन को ये बता दिया कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, आपने फंक्शन को क्या बता दिया, इंक्रीजिंग। ये आपका साबित हो गया कि फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ये फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होगा, मैं कम से कम 7-8 सवाल करूंगा, आपको फील आ जाएगा कि हाँ इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। हम अभी हम ऐसे ही सवाल चुनेंगे जिनकी आप देख के बता दो कि हाँ सर ये इंक्रीजिंग और ये क्या है, डिक्रीजिंग है। मैं इतने भयानक सवाल नहीं लूंगा कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर धक के देखना पड़ेगा, फिर पता नहीं क्या आ रहा होगा, इतने रामायण वाले सवाल नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल से ऐसे एग्जांपल करेंगे जिसकी मदद से हम ये कंसेप्ट सीख सकें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की मदद से रेंज कैसे निकाल रहे, ठीक है सर। तो आपका फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मैंने बोला क्या, आपने आपको गिवन है कोई सा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, और आपने क्या फाइंड कर ली, डोमेन। आपने क्या फाइंड कर ली, डोमेन। अगर नहीं गिवन है तो फाइंड कर ली, और गिवन है फिर तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपका एक स्टेप कम हो गया। और आपने क्या साबित कर लिया, आपने साबित कर लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब आपका ग्राफ ये है। तो आपकी डोमेन क्या थी, यहां से यहां तक थी। तो अगर कोई सा फंक्शन इंक्रीजिंग आपने प्रूफ कर दिया, पूरा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में ए से बी में, ये ए से बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, टू से थ्री भी हो सकता है, पाई बाई सिक्स से सेवन, सेवन पाई, ऐसा कुछ भी हो सकता है रेंडमली। तो आपने क्या किया, अगर आपको कोई सा फंक्शन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन है, सर ये पता नहीं कुछ भी बता रहे हो आप, तो समझ में नहीं आ रहा है, 5-10 मिनट तो पेशेंस देना पड़ेगा अगर अच्छी बात सीखनी है तो, 5-10 मिनट दे उसके बाद पक्का समझ में आएगा, नहीं आए तो फिर वही मैंने बता दिया, बंद कर देना वीडियो, पक्का आएगा भाई। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपने क्या निकाल दिया, इंटरवल निकाल लिया। हाँ सर इंटरवल निकाल लिया। आपने क्या प्रूफ कर लिया कि पहले, सबसे पहले क्या निकाल लिया, डोमेन। स्टेप वन क्या फाइंड कर लिया, डोमेन। स्टेप लिखने में ज़्यादा फायदा है ऐसा लगता है हमें बच्चों की। स्टेप टू में क्या फाइंड कर लिया, चेक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और अगर कुछ भी नहीं, जैसे ग्राफ ऐसा आ गया, तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, क्योंकि कुछ में बढ़ रहा है फिर कुछ में घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, नहीं नॉन मोनोटोनिक है। ये क्या है आपका, नॉन मोनोटोनिक है। तो ये ना तो हाँ, पर इसके पहले तक ये इंक्रीजिंग है, ए से बी तक फिर डिक्रीजिंग, और बी के बाद से फिर इंक्रीजिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। खैर अभी काम करेंगे एग्जांपल से। तो उसके स्टेप वन क्या फाइंड करना है, डोमेन। तो ये डोमेन आ गई, इसमें से कुछ होगी। स्टेप टू क्या फाइंड करना, चेक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपने चेक कर लिया, या तो इंक्रीजिंग चेक कर लिया या तो डिक्रीजिंग चेक कर लिया। तो अभी हमने हाँ, उसके बाद स्टेप थ्री। स्टेप थ्री अगर आपने चेक किया, इफ एफ एक्स क्या है आपका, इंक्रीजिंग आ गया। आपका एफ एक्स कैसे आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। तो जब एफ एक्स इंक्रीजिंग आ गया तो ए पर वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ ए आएगी, और बी पर वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ बी आएगी। क्यों सर, ऐसे कैसे, जैसे आपको एफ एक्स गिवन है 1
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो वन पर कितनी वैल्यू आएगी, एफ ऑफ वन मतलब कितना आएगा, टू आएगा, ऐसा वैल्यू ना एफ ऑफ वन का मतलब ये होता है। तो ए पुट किया तो कितना आया, ए पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए, और जब बी पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी। तो जब आपने इंक्रीजिंग प्रूफ कर लिया तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए, और मैक्सिमम कितनी है, एफ ऑफ बी, क्योंकि आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सर नीचे वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि आपने फंक्शन क्या बोला, इंक्रीजिंग है। तो आपकी रेंज क्या आएगी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, आपकी रेंज क्या आएगी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। ये कब आएगी, मतलब सर इसके बीच में अब कभी भी ना बड़ी वैल्यू मिलेगी ना छोटी वैल्यू मिलेगी, नहीं, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू यही होगी और सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी। सर इसके बीच में कोई सी छोटी वैल्यू, इसके बीच में छोटी वैल्यू मिलना मतलब ग्राफ नीचे जाना, इसके बीच में बड़ी वैल्यू मिलना मतलब ग्राफ ऊपर जाना, पर आपने बोला कि इंक्रीजिंग है मतलब ग्राफ ऐसा है, तो सबसे मिनिमम क्या होगा, ग्राफिकली भी दिख रहा है ये, और सबसे मैक्सिमम ये होगा। तो रेंज क्या आएगी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, अगर ओपन है तो ओपन एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, एक क्लोज और ओपन है तो क्लोज और ओपन एफ ऑफ बी ऐसा, और अगर ये वाला ओपन है तो ये अकॉर्डिंग टू आपकी डोमेन आंसर आ जाएगा। तो मैं एक मान के चल रहा हूँ कि दोनों वैल्यू पुट कर रहे हो, मतलब दोनों वैल्यू आ रही है, तो क्लोज एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी आपकी क्या हो जाएगी, रेंज डायरेक्ट। तो सर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि आपने अगर ये साबित कर लिया कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, तो आपको क्या करना है कि डोमेन का सबसे पहला वाला पॉइंट पुट करना है और डोमेन का सबसे आखिर वाला पॉइंट पुट करना है, और बस ऐसा लिखना है आपका आंसर आ जाएगा। क्या अगर आपने ये साबित कर लिया कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो मिनिमम वैल्यू है डोमेन की वो रखना है, तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और जो मैक्सिमम वैल्यू डोमेन की है वो आपको क्या देगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज वाई की वैल्यू, तो ये आपका सिंपल फंक्शन आ जाएगा। अगर इसी केस में अगर फंक्शन ये अगर ऐसा इंक्रीजिंग आ जाता तो आंसर क्या आता, डोमेन आ गई मान लो ए से बी, अगर इंक्रीजिंग आता तो आंसर क्या आता, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, ये कहां से आया वो मैंने समझा दिया। अगर इफ फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, कोई बुरी वाली बात नहीं है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना, दो केस हो सकते हैं। सर इंक्रीजिंग भी नहीं आया डिक्रीजिंग भी नहीं आया, तो फिर और किसी नए टाइप से हैंडल करेंगे, इस पे बहस नहीं करना है कि इंक्रीजिंग नहीं आया डिक्रीजिंग नहीं आया तो कैसे करेंगे, अगर आए तो ही यूज करना है। मैंने क्या बोला, हमेशा यूज हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा कोई सा फंक्शन मोनोटोनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है सर, ये तो सवाल पर डिपेंड करेगा भाई, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आए तो इस टाइप पे जाना है, अदरवाइज इसको देखना भी नहीं है, ठीक है सर। तो अगर कोई सा फंक्शन जैसे सपोज डिक्रीजिंग आ गया, ये आ गया, तो आपने डोमेन वही आपकी ए से बी है, तो आपको क्या हो जाएगा, जो कम वैल्यू है उस पर वैल्यू क्या मिलेगी ज्यादा, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए, और ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ बी, तो आपका ग्राफ ये वाला ग्राफ है। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ बी से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही, एफ ऑफ ए, ये आपकी रेंज आ जाएगी। कब, जब आपका ये वाई की वैल्यू आ जाएगी, कब, जब आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। इससे मतलब क्या निकला कि अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शॉर्ट शॉर्ट प्रूफ हो गया तो आपको क्या रखना है, केवल एंड वाली वैल्यू रखना है। अगर इंक्रीजिंग है तो रेंज क्या आएगी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, और अगर डिक्रीजिंग है तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा। उल्टा मतलब क्या, जो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ डोमेन है उस पर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कम पर ज्यादा वैल्यू आ रही है, डिक्रीजिंग है, तो रेंज क्या आ जाएगी, एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए। अब इसको मैं जितना मैंने जितनी भी मैंने बातें बोली है उसको बच्चों में किससे करूंगा, एग्जाम्पल से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। अब हम इन सवालों को करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, ताकि आपकी और क्लियरिटी आए और एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना भी सीखेंगे, ठीक है सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इसके ऊपर सवाल, मतलब इन जो पढ़ा हमने इसके ऊपर सवाल, बस आपको ये समझ में आना चाहिए तो काम हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। हाँ सर, तो मैंने कुछ एग्जांपल चूज किए हैं, कुछ तीन चार एग्जांपल है जो आपके जो फंडा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। तो बारी बारी से हम एग्जाम्पल करते हैं, तो इन एग्जाम्पल को कैसे डील करेंगे हम, सब पे काम करेंगे, मतलब ठीक है सर, सब बिल्कुल आपको पक्का परफेक्शन से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की मदद से रेंज कैसे फाइंड करना है, ठीक है सर। तो पहले दो एग्जाम्पल्स हैं, जो फर्स्ट दो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल की खूबी क्या है कि वो सिंगल फंक्शन है, मतलब सिंपल ऐसा, और सिंगल फंक्शन है, एक क्यूबिक पॉलीनोमियल और दूसरा भी क्यूबिक पॉलीनोमियल है, बट पहले वाले पॉलीनोमियल में डोमेन नहीं गिवन है एंड दूसरे वाले पॉलीनोमियल में डोमेन गिवन है। करते हैं हम काम, दोनों क्वेश्चन पे काम करते हैं। तो पहले वाले पॉलीनोमियल में डोमेन नहीं गिवन है तो हमें डोमेन फाइंड करना है, और गिवन है तो बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको डोमेन फाइंड ही नहीं करना है, मतलब इसका मतलब क्या कि आपको एक्स यही रखना है, यही एक्स रखना है, यही एक्स रखना है, और ना गिवन है तो फिर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डोमेन, और वो आपको एक्स रखना है।
तो ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने पढ़ाया था, पहले लेक्चर था या सेकंड लेक्चर थर्ड था, जो भी है स्टार्टिंग इनिशियल में पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, आर। तो नहीं गिवन ताम था तो मैं लिख रहा हूं कि एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब इस बार हम क्या रखेंगे, सारी रियल वैल्यू रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। वैसे मैंने पढ़ा दिया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, हमेशा आर होती है। जो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसकी रेंज क्या होती है, हमेशा आर होती है, अगर डोमेन आर गिवन है। तो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मदद से करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ एक्स कौन है हमारा, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन। हमने क्या निकाला, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकाला कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, थ्री का मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो, ऊपर से और वन एड कर दे तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो गया, मतलब जीरो से बड़ा है सर, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, मतलब डी बाय डी एक्स क्या है आपका, डी बाय डी एक्स क्या है, पॉजिटिव आ गया, मतलब आपका फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो मिनिमम वैल्यू पर क्या मिलेगा, मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम, बताया था ना मैंने। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू पर मिनिमम और मैक्सिमम पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो इस फंक्शन की रेंज क्या है, आर, और आर बोले तो कौन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी और प्लस इन्फिनिटी पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आपने जब माइनस इन्फिनिटी रखा तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी अगेन, तो माइनस इन्फिनिटी और वन एड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी रेंज क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम कितनी आएगी, जब क्या रखोगे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का क्यूब भयानक इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और भयानक इन्फिनिटी और एक एड कर दिया तो इन्फिनिटी। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन। ये फर्स्ट वाले का है, कैसे सॉल्व किया, सिंपल, आपने फंक्शन था उसको डेरिवेटिव कर दिया। बहुत नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल है ये, बहुत नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा हाँ कैसे डील करना है, मतलब आप समझ जाओगे अच्छा हाँ सर बन जाएगा, कोई बड़ी वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहले डिफ्रेंशिएट किया, अगर ग्राफ भी बना पाए तो बहुत बढ़िया, पहले डिफ्रेंशिएट किया, फिर आपने इंक्रीजिंग चेक कर लिया, तो आपको क्या बोला कि मिनिमम पर क्या मिलेगा, मिनिमम आंसर, और मैक्सिमम पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम, तो आपका काम हो गया। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो। तो अब हम करते हैं, ये फर्स्ट हम हटा देते हैं बढ़िया तरीके से, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है सर। और इस बार हमें डोमेन आर नहीं गिवन है, ऐसे अगर ये नहीं होता तो हम डोमेन क्या मानते हैं, आर, क्योंकि पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है, आर होती है, चाहे क्यूबिक हो चाहे ऑड हो, क्योंकि सब कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट डोमेन गिवन है माइनस टू से टू, मतलब इस बार कहां से कहते हैं कि वैल्यू पुट करना है, माइनस दो से दो तक की वैल्यू, ठीक है सर। देखते हैं इसको हम जरा करते हैं, समझते हैं। हाँ सर, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन है ना, ठीक है सर। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं अपन, एफ डैश एक्स निकालते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इस बार आर डोमेन नहीं है, माइनस टू से टू है, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, माइनस दो से दो के बीच में बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है सर। तो डेरिवेटिव क्या कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आ गया। तो एक्स समझते जरा काम की बात, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा था, माइनस दो से दो। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा जीरो से चार। ये कैसे आ गया, रेंज के बेसिक टाइप में, रेंज स्टार्ट भी नहीं हुआ था, टाइप वन के पहले वाला जो लेक्चर उसमें देखो मैंने बता दिया था कि एक्स अगर यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, थ्री का मल्टीप्लाई कर दो, थ्री एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, जीरो से ट्वेल्व। फिर आपने माइनस थ्री कर दिया, क्या कर दिया आपने, माइनस थ्री कर दिया, तो माइनस थ्री है ना, ठीक है सर। तो माइनस थ्री के कितना आएगा, ऐसे जब माइनस थ्री कर दिया तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, यहाँ भी माइनस थ्री कर दिया तो माइनस तीन से नौ, ठीक है सर। तो ये माइनस थ्री से नौ बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, मतलब जो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है यही एफ डेस एक्स है, यही कौन है आपका, एफ डेस एक्स है। तो एफ डेस एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक आंसर आया, माइनस तीन से नाइन तक आंसर आया और बीच में जीरो, मतलब आपका एफ डेस एक्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मतलब ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, ठीक है सर। जबका एक्स कहाँ से कहाँ तक हो, माइनस दो से दो हो। अच्छा तो सर अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे सर, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। तो
अच्छा अब कैसे निकालेंगे? तो अब हम इसका क्या बनाते हैं? ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ से पता चलेगा, अब किससे पता चलेगा? ग्राफ से पता चलेगा। तो जब भी एफ डे सेक्स ना तो या नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, मतलब आपका फंडा फेल हो गया। आपका फंडा कब यूज होता था? जब या तो आप स्ट्रिक्टली बता पाओ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता पाओ। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। तो अब कैसे करें सर? ठीक है सर, तो हम इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो ग्राफ से सॉल्व करेंगे इसको हम। तो जैसे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे अब? तो इसके पहले मैंने क्या निकाला है? ये एफ डे सेक्स आ गया। अब थोड़ा सा आपको शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इससे भयानक भयानक सवाल आएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। ये हमारा एफ डे सेक्स था। तो एफ डे सेक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 किया। सो एफ डे सेक्स को जब हम 0 करेंगे, मतलब हमने किसको 0 किया? 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 किया। तो यहाँ से x प्लस 1 x माइनस 1, मतलब x की दो वैल्यू है, 1 n माइनस 1। तो दो जगह डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0। तो हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 एंड माइनस 1, दो जगह डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब हमने वैल्यू रखी, हमको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी? माइनस 2 से 2 तक। ठीक है सर, एक काम करते हैं हम, ये माइनस 2 से 2 गिवन है, इसको हम हटा के ऊपर बना देते तो ताकि आपको थोड़ा फील आ जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। तो ये हमारा कौन है? ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस सॉरी, माइनस 2 से 2 तक रखना है हमें। और थोड़ा इधर ले लेते, यहाँ पर कौन आएगा? माइनस 2, और इधर कौन आएगा? 2। यहाँ पर कौन आएगा हमारा? कहीं माइनस 1, और यहाँ पर कौन आएगा? 0। ये आपका वाई एक्सिस है, समझने की कोशिश करना। तो 1 और माइनस 1 पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0। मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, मतलब ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है डी वाई बाई डी एक्स, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग, यहाँ ग्राफ घट रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन होता है? 0। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? 0। ये सर नहीं, ये समझ में नहीं आया, मत समझो, ये सवाल ही मत समझो, ये नहीं है आपका काम का अभी। क्यों नहीं काम का है? क्योंकि तो आपको इतने फंडे आते नहीं है। बस ये तो मैंने अगर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन ग्राफ बनाते आता है तो कर रहे हैं, बाकी मैं इसको सेपरेट पढ़ूंगा। भैया माफ करना, ये सवाल गलती से चूज कर लिया, इसको मत करना। ठीक है सर, अभी हम छोड़ देते तो बच्चे बोलते पता नहीं क्यों नहीं कर रहे सर, मन में रह जाता ना इसलिए। तो फिर भी देखो कुछ समझ में आया तो बढ़िया है। तो हमने क्या रखा? सबसे पहले क्या रखा? हमको पता है कि माइनस 1 से, तो हाँ, तो ये हमारा फैक्टर आ गया। 1 और माइनस 1 पर डेरिवेटिव 0 आएगा, मतलब 1 और माइनस 1 पर ऐसी शक्ल बनेगी क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ये एक समझ के रखो। तो जब इसको पॉजिटिव किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पॉजिटिव किया, सो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का बेबी कट मेथड क्या होगा? ये आएगा बेबी कट मेथड, 1 और माइनस 1 प्लस माइनस प्लस। तो माइनस 1 से 1 के बीच में, माइनस 1 से 1 के बीच में ये एफ डे सिक्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर एफ डे सिक्स नेगेटिव, मतलब डी वाई डी एक्स कैसा आएगा? माइनस 1 से 1 के बीच में एफ डेस एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। और यहाँ पर पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में एफ डेस एक्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। ये मैं पढ़ूंगा, मत टेंशन लेना, बस देख के रख लो कि ऐसा कुछ पढ़ा हमने, ताकि बाद में शायद अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको बहुत ढंग से पढ़ूंगा। ठीक है सर, चिल करना अभी। सो माइनस 1 से 1, सो माइनस 1 से 1 के बीच में एफ डे सिक्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस 1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग। तो माइनस 1 से 1 के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा, तो 1 रखो। सो 1 रखा तो कितना आएगा? 1, और 1 कितना आएगा? 2, और माइनस 3 माइनस 1, तो 1 पर कितना आएगा? माइनस 1 आंसर। माइनस 1 रखा तो माइनस 1 रखा तो माइनस कितना आएगा? 0 पर कितना आएगा? 1, 0 पर आएगा 1, सिंपल। और माइनस 1 पर कितना आएगा? माइनस 1, और कितना आएगा? प्लस 3, और प्लस 3 और माइनस 1 कितना आएगा? 2, 2 और एक 1 3, तो माइनस 1 पर कितना आएगा? 3, इस टाइप से कुछ नंबर आएगा। ठीक है सर, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। देखो ये कहाँ से पता चला? क्योंकि माइनस 1 से 1 के बीच में एफ डे सिक्स क्या आ रहा है? माइनस 1 से 1 तक की वैल्यू रख के देखो, ये वाला बालक नेगेटिव आएगा, ये वाला, ये इस पर वेवी कट मेथड अप्लाई करें ना, ये वाला, तो ये वाला एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव देगा? ये और ये रखोगे, ये एक्सप्रेशन कब नेगेटिव देगा? जब यहाँ से याद रखोगे। अच्छा, 1 के बाद फंक्शन क्या बोलेगा? इंक्रीजिंग। तो 2 पे रखे देखो, 2 पर कितना मिलेगा? 2 पर, तो यहाँ पर माइनस 1, 1 पर कितना मिला? 1 पर आंसर मिला 1, और 1 2 माइनस 1, 1 पर माइनस 1 मिला, और माइनस 1 पर कितना आंसर मिला? माइनस 1 पर आंसर मिला था हमारा 3। सो ये हमारा आंसर मिला था 3, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, माइनस 1 पर 3 मिला है, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, फिर भी समझ के रखो कि माइनस 1 रखा तो आंसर 3 आया। अब माइनस 1 से इन्फिनिटी में वापस ग्राफ क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा, तो माइनस 2 रखो, तो माइनस 2 रखा कितना आएगा? माइनस 8, और यहाँ माइनस 2 रखा कितना आएगा? 6, माइनस 8 और 6, माइनस 2 और 1, माइनस 1, तो माइनस 2 पर कितना आंसर आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा ये, और इसके बाद ग्राफ क्या आएगा? इधर कुछ ऐसे बढ़ते जाएगा,
तो दो पर वैल्यू निकाल ले, दो पर कितना आएगा, 8 माइनस 6 दो, दो और एक 3, तो दो पर कितना आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो बस ये ग्राफ है इसका, तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है, तो मिनिमम क्या आ रही है, माइनस 1 और मैक्सिमम 3 आ रही है, तो इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी, माइनस 1 से 3। इसको ग्राफ से गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, और ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सामने पढ़ा ही नहीं, बस देख के रख लो, ये 5-10 मिनट आप स्किप भी कर सकते थे यार, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ आपको समझ में आया, कुछ किया हमने। ये हमने देखा कि ये वाला पॉजिटिव कब था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में और 1 से इन्फिनिटी, मतलब देखो ये वाला ग्राफ ऐसे बढ़ा है माइनस 1 तक और 1 के बाद इंक्रीजिंग हो रहा है, और माइनस 1 से 1 के बीच में क्या आ रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब देखो माइनस 1 से 1 के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये ऐसा, ये फंडा है, और माइनस 1 और 1 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो देखो ऐसा डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ये बस समझ के रख लो। तो इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस 1 से 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गलत क्वेश्चन चूज कर लिया यार, कोई बात नहीं, हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना, रट्टा मार के थोड़ा ना सॉल्व कर रहे हैं कुछ भी, या रट्टा मार के आए हम जैसे। हाँ सर, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए एक छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे हम, फिर हम काम करेंगे 3 और 4 पे। हाँ सर, तो अब इनको हम समझने के लिए, जो अगले दो एग्जांपल्स हैं इनको हम समझने के लिए क्या, एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, एक छोटा सा कंसेप्ट, जैसे इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, अगर कोई सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो हम छोटा सा कंसेप्ट क्या है, एज ए प्रॉपर्टी है, तो हम पढ़ के रहे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आसान सी प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एक दो को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप समझ जाओगे हाँ सर कैसे आ रहा है। इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग कितना आ जाएगा आपका, इंक्रीजिंग होगा, मतलब जैसे कोई सा फंक्शन कम वैल्यू पर ज्यादा दे रहा है, दूसरा फंक्शन भी कम वैल्यू पर ज्यादा दे रहा है, तो दोनों का सम क्या आएगा, ये भी कम वैल्यू पर कम, कम वैल्यू पर कम, तो दोनों का सम क्या आएगा, कम वैल्यू पर कम आएगा, ये भी ज्यादा वैल्यू पर ज्यादा, ज्यादा वैल्यू पर ज्यादा, तो ओवरऑल सम भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, मतलब ओवरऑल सम भी क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है सर। सेकेंड नोट ये है जैसे ये आ गया था हमारा एक फंक्शन था, अभी था थोड़ी देर के लिए पढ़ा था एक्स क्यूब, वो देखा था हमने इंक्रीजिंग था, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान में हो, फिर हमने देखा था माइनस एक्स क्यूब, मतलब ये कैसा आ गया था, डिक्रीजिंग आ गया था, क्योंकि डेरिवेटिव में जस्ट किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव था और आगे आपने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डेरिवेटिव में जस्ट किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब अगर कोई सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, मतलब अगर कोई सा इंक्रीजिंग है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग है। या ऐसा भी बोल सकते हो क्या कि अगर जैसे डिक्रीजिंग था तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये आ जाएगा, मतलब आपने डिक्रीजिंग में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है सर। सर ये कर क्या रहे सर, ये क्या पढ़ाने लग गए सर, कुछ भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल से पक्का समझ में आएगा भाई, थोड़ी शांति। क्या मैंने बोला कि इंक्रीजिंग और दूसरा भी अगर इंक्रीजिंग है तो ओवरऑल भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, अगर इंक्रीजिंग में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग, एंड अगर डिक्रीजिंग में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। अगला फोर्थ, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, इसको जरा सोच के देखो, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या होगा, तो जैसे एक फंक्शन क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये कैसा लिखा है, ये डिक्रीजिंग है, या आपको थोड़ा इसको पहले ना मन से सोच के देखो, ये कैसा लिखा है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग में किसका मल्टीप्लाई किया, माइनस का, तो डिक्रीजिंग माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग, मतलब ये भी इनडायरेक्टली वे में क्या लिखा है, इंक्रीजिंग, और ये भी कौन है, इंक्रीजिंग, तो दोनों का सम भी क्या आएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है सर। फिफ्थ नंबर वाला, इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा, मतलब एक इंक्रीजिंग है जैसे ये रहा, और एक क्या है, डिक्रीजिंग है, इनके सम के बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, कम वैल्यू पर क्या ज्यादा है, ज्यादा, कम वैल्यू पर क्या दे रहा है, कम, और ये कम वैल्यू पर क्या दे रहा है, ज्यादा, मे बी इन दोनों का सम 5 आए, फिर ये कम वैल्यू पर ज्यादा और ज्यादा वैल्यू पर कम, मे बी इन दोनों का सम अगेन 5 आ जाए, तो मे बी कॉन्स्टेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये कम वैल्यू पर कम और ज्यादा वैल्यू पर ज्यादा, किसी बार सम ज्यादा आ जाए कम आ जाए, तो इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकते, नथिंग कैन बी सेड, मतलब कुछ हम कह नहीं सकते कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। तो ये कुछ नन्नी मुन्नी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, और इसके बेस पर हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है सर। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग मतलब ये भी कम वैल्यू पर कम, दूसरा भी कम वैल्यू पर कम, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, कम वैल्यू पर क्या देगा, कम। एक और, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा,
डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी कम वैल्यू पर क्या दे रहा है, ज्यादा, ये भी कम वैल्यू पर क्या दे रहा है, ज्यादा, तो ओवरऑल कम वैल्यू पर क्या दे रहा है, ज्यादा ही आंसर आएगा। और सेम ये ज्यादा वैल्यू पर क्या देगा, कम, ये भी ज्यादा वैल्यू पर क्या देगा, कम, तो ओवरऑल सम क्या आएगा, कम ही आएगा, तो ये भी क्या आएगा, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या आएगा, डिक्रीजिंग। तो ये कुछ पांच छह प्रॉपर्टी है और इनके ऊपर हमको जब सवाल करेंगे तो आपको पक्का समझ जाएगा, ठीक है सर। तो हमारे क्या इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग, तो इस टाइप से हमने कुछ प्रॉपर्टी है ये अभी नहीं समझ में आया तो मैं एक चैप्टर प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सर अगर हमारी कल एग्जाम होगी तो कल एग्जाम नहीं होगी भैया, पूरा फंक्शन एओडी कैलकुलस अलजेब्रा 2D वेक्टर 3D सब पढ़ने के बाद एग्जाम होगी, ठीक है सर। तो अभी आपको हल्का सा बेसिक मतलब समझना है कि हल्का फुल्का यूज कैसे करते हैं। तो जब हम रेंज एओडी पढ़ेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप इनको एक बार हल्का फुल्का देख चुके हैं इसलिए, ठीक है सर। तो हम इनके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। तो सर ये प्रॉपर्टी पढ़े क्यों सर, मतलब जरूरत क्या आ गई? तो एक्चुअली होगा क्या कि जब भी क्वेश्चन ऐसे सम के फॉर्म में आ रहा, जैसे पहला फंक्शन यहां पर एक है, दूसरा फंक्शन ये अलग अलग है, तो fx प्लस gx अगर ये दोनों इंक्रीजिंग होगा, ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग हो गया, तो दोनों का सम भी क्या आएगा, इंक्रीजिंग, मतलब दोनों के सम पे भी क्या बोल सकते हैं, कम वैल्यू पर कम और ज्यादा वैल्यू पर ज्यादा, ओवरऑल सम ऐसे बता सकते हैं। तो जब भी दो सम के क्वेश्चन या दो डिफरेंस के क्वेश्चन या इस टाइप के सवाल आ जाए तो उसको उसकी रेंज फाइंड करने के लिए ये वाला प्रॉपर्टी का यूज होगा। सर अभी भी नहीं आया, एग्जाम्पल से देखो क्या बोला हमने, जब भी दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन है उनके सम के बारे में पूछे, उनके सम की रेंज पूछे, उनके डिफरेंस की रेंज पूछे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम किसकी मदद से करेंगे बेटा, हम रेंज फाइंड करेंगे इस वाले फंडे की मदद से। जैसे अब मैंने लिया एग्जांपल नंबर 3, आपको एग्जांपल से पक्का समझ में आएगा हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एक मिनट। हाँ सर, तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है, इसको हम हटा रहे हैं, ये आप नोट करके रखिए अच्छे से, नोट भी करना है, बैठे बैठे लेक्चर नहीं देखना है अगर सीखना है तो। तो जैसे यहाँ पर क्या रहा, दो अलग अलग फंक्शन आ रहे, तो fx क्या दे रखा है, हमको fx क्या दे रखा है, fx दे रखा है e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है सर। तो इनके किसके बारे में पूछा हमें, इनके डिफरेंस के बारे में पूछा कि इनका डिफरेंस कैसा क्या आएगा, तो इनके डिफरेंस ऐसा है और इस फंक्शन की रेंज पूछी है, सवाल ये है, सिंपल सा है। और x कहां से कहता है कि माइनस x से 2, तो e की पावर x कैसा होता है, e की पावर x अगर आप बनाएंगे तो ये ऐसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। e की पावर माइनस x ग्राफ कैसा होगा इसको देखते अपन, तो मैं केवल इतने का ग्राफ बना रहा हूँ, किसका ग्राफ बना रहा हूँ, e की पावर माइनस x का, किसका ग्राफ बना रहे, e की पावर माइनस x का। तो जब 0 रखेंगे तो ये 1 देगा, ऑब्वियस है, माइनस 1 रखेंगे तो e देगा, माइनस 2 रखेंगे तो e स्क्वायर देगा, 1 रखेंगे तो 1 अपॉन e देगा, तो ग्राफ ऐसा घटते हुए आएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का, तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या आ जाएगा, ओवरऑल फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। क्या मैंने बोला कि e की पावर x कैसा है फंक्शन है, देखो ये तो हम सिखा चुके, इंक्रीजिंग है, e की पावर माइनस से ग्राफ अगर बना के देखा तो कैसा आया, डिक्रीजिंग आया, और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का, तो डिक्रीजिंग इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और ये भी इंक्रीजिंग, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। ये अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इसलिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, तो सर ऐसे नहीं बताना चाहते तो ऐसे देख लो सर, एक और तरीका है ना जो पहले वाला तरीका, पर ये कभी कभी ये वाला तरीका ज़्यादा आसान होता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे एफ डेस एक्स निकाला तो कितना आएगा, ई की पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, और माइनस एक्स का माइनस है मतलब कितना आएगा, प्लस, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ई की पावर माइनस एक्स भी जीरो से तो बड़ा ही है ना, ठीक है सर। तो ये दोनों क्या आ रहा है, कुछ भी रखो ये हमेशा क्या आएगा, जीरो से बड़ा ही नंबर आएगा, तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग है। ऐसे भी आप बता सकते थे दोनों तरीके से, खैर हमने प्रॉपर्टी का यूज करना था इसलिए हमने इस वाले तरीके से बताया। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमने बता दिया था कम वैल्यू पर क्या देगा, कम, और ज्यादा वैल्यू पर क्या देगा, ज्यादा, तो इसकी रेंज क्या आएगी, एफ ऑफ माइनस वन से एफ ऑफ टू, अच्छा दोनों पे इक्वल्स टू का साइन है तो ये रेंज आ जाएगी। सो एफ ऑफ माइनस वन पर वैल्यू निकालो, एफ ऑफ माइनस वन पर कितना आएगा, ई की पावर माइनस वन माइनस ई की पावर प्लस वन हो जाएगा, से ई की पावर टू से ई की पावर माइनस टू, ये आपकी रेंज आ गई। बस क्या निकाला, एफ ऑफ माइनस वन पुट कर दिया और एफ ऑफ टू पुट कर दिया, तो यही आपकी फंक्शन की क्या हो गई, रेंज, ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर्टी, किया कि हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था, किसका मल्टीप्लाई किया, माइनस का, तो ओवरऑल क्या हो गया, इंक्रीजिंग, सिंपल सी चीज़ है। और अगर इंक्रीजिंग हो जाए तो मैंने बता दिया था, अगर इंक्रीजिंग हो जाए तो कम वैल्यू पर कम और ज़्यादा वैल्यू पर ज़्यादा, तो कम वैल्यू क्या रखना है, माइनस वन, ज़्यादा वैल्यू क्या रखना है, टू, तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी आपकी रेंज होती थी, ये हमने सिखा दिया था। अब हम इसी टाइप पे, ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इसी पे हम उठाते क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप खुद से ट्राई करें, पहले वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, ठीक है सर। तो हम इसको देखते हैं,
हाँ सर, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको मटा दे रहे हैं, ये भी ठीक सवाल है, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो हमारा सवाल क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस ऑफ एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वन, वेयर एक्स इज वेरी फ्रॉम पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, फाइंड द रेंज। तो रेंज किस इंटरवल में फाइंड करना है, जब एक्स आप कहां से कहां तक पुट कर रहे हैं, पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री। भूलना नहीं, हम कर क्या रहे, हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, हम रेंज, ठीक है सर। और किसकी रेंज, रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन की मदद से, ठीक है सर। तो पहले ये वाला एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है सर, और ये वाला कॉस एक्स है। तो पहले कॉस एक्स अगर आप बना लेता हूँ, तो कॉस एक्स अगर आप मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया है, जाके देख ले कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, तो 30 से 60, तो 30 से 60 में ग्राफ ऐसा होता है, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ की शक्ल दिख रही है आपको, कैसी है ग्राफ की शक्ल, नीचे आ रहा, कम वैल्यू पर ज़्यादा और ज़्यादा वैल्यू पर कम। तो पहला वाला क्या है, डिक्रीजिंग शुद्ध। अब इसका ग्राफ बनाते, किसका ग्राफ बनाते, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, सिंपल एक्स इंटू एक्स प्लस वन का ग्राफ, बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ। तो ये पैराबोला फट आएगा, तो इसके दो जीरोज आएंगे, एक तो क्या आएगा जीरो और एक क्या आएगा माइनस वन, एक क्या आएगा जीरो और एक क्या आएगा माइनस वन, या माइनस वन आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है सर। पर आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की रखना है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, बना के देख लें, कहाँ से कहाँ तक रखना है, पाई बाई सिक्स से कुछ पॉजिटिव नंबर होगा और पाई बाई थ्री भी कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो ये वाला ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो ये वाला इतना फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और उसमें किससे माइनस, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से। तो ओवरऑल क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, क्यों हो गया डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि ये कैसा था, डिक्रीजिंग था, और ये कैसा था, इतना कैसा था, देखो इतना इस इंटरवल में ग्राफ क्या आ रहा है, बढ़ रहा है सर, इस इंटरवल में तो ग्राफ घट रहा है, पर इंटरवल क्या देखा, वो भी तो मैटर करेगा। तो हमारा एक्स क्या है, पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, तो उसमें ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग में किसका मल्टीप्लाई किया, माइनस का, तो इंक्रीजिंग माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या है, डिक्रीजिंग है, और ये भी कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो सम भी क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। तो रेंज क्या आएगी अगर डिक्रीजिंग है, तो अगर डिक्रीजिंग होता था तो रेंज क्या होती थी, ज़्यादा वैल्यू पर क्या देगा आंसर, कम, तो ज़्यादा वैल्यू कौन है यहाँ पर, पाई बाई थ्री, सो आंसर क्या आएगा, ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू वाला आंसर, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया। तो रेंज क्या आएगी, एफ ऑफ पाई बाई थ्री, मतलब 60 डिग्री पे ज़्यादा कम वैल्यू आएगी, और 30 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा, क्योंकि डिक्रीजिंग है, ठीक है सर। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी, क्यों क्लोज लगाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों पे क्लोज था, अगर ओपन होता तो ओपन लगाते, सिंपल। तो एफ ऑफ पाई बाई थ्री निकालो, तो एफ ऑफ पाई बाई थ्री मतलब कितना, कॉस 60, तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2 माइनस, रखो यहाँ पर 60, पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री रखेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई थ्री इंटू पाई बाई थ्री प्लस वन से, बस वैल्यू रख दी, पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स रखा कितना आएगा, कॉस पाई बाई सिक्स आई थिंक √3/2, तो √3/2 माइनस, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पाई बाई सिक्स इंटू पाई बाई सिक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई कर दे, कितना मिलेगा रेंज, 1/2 माइनस, कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर बाई नाइन माइनस पाई बाई थ्री से √3/2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 36 आई थिंक, ठीक है, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, पर यही आपका लगभग लगभग रेंज आएगा। सो वाई बिलोंग्स टू, फंडा क्या है, किसका यूज हो रहा है भाई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले फंडे का, क्या मतलब क्या है, आपको पहले क्या चेक करना है कि उस ब्रांच में फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। अगर उनका यहां पर क्या था, डिक्रीजिंग था, ये भी कैसा था, इंक्रीजिंग था, देखो अब यहां से दिख रहा है, और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या, ये मतलब ये डिक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग था, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, और डिक्रीजिंग का सम क्या आएगा, डिक्रीजिंग लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी, तो डिक्रीजिंग आ गया, मतलब ज्यादा वैल्यू पर कैंसर आएगा, कम, और कम वैल्यू पर कैंसर आएगा, ज्यादा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज। तो ये इस फंक्शन की रेंज है, ठीक है सर। तो हम एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये आप खुद से ट्राई करें, मतलब आपको ये खुद से ट्राई करना है, उसके बाद अगर आपको नहीं आए तो फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है, अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप खुद से ही ट्राई करें, ठीक है सर। तो अब हम करते हैं लास्ट एग्जांपल। हाँ सर, तो ये, हाँ सर, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन ऑफ 2 sin x + 10x -3/π x + 1, और इसकी रेंज आपको गिवन है ए से बी, इसकी रेंज क्या गिवन है आपको, y बिलोंग्स टू क्या गिवन है, a से b, फाइंड a प्लस बी, इसमें क्वेश्चन लिखा है फाइंड a प्लस बी, ठीक है सर। तो इसकी रेंज फाइंड करना है, बट आपको x कहां से, डोमेन कहां से कहा था, गिवन है पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, ठीक है सर। तो इसको डील करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा,
मैं जस्ट इसकी हिंट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, इसकी हिंट दे रहा हूँ, मैं इसका पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो फिर बता देना, हम जब लास्ट में प्रॉब्लम्स कराएंगे तब तक हम आपको ये क्वेश्चन फिर से हल्का सा और डिस्कस कर देंगे। जस्ट हिंट दे रहा हूँ, अगर ये भी कर दिया मैंने तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, मतलब आप क्या सीखोगे। हिंट दे रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा, अगर सोच नहीं पा रहे हो तो ये आपने देखना कि इस इंटरवल में ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, ये भी कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, और ये वाली कैलकुलेट करके देखना, तो इन सब का सम आ जाएगा, इंक्रीजिंग कुछ टाइप से आएगा। और वो वाली वैल्यू इस बार किस में पुट करके देखना, ln में पुट करके देखना, किस में पुट करते हैं, किस में पुट करके देखना, ln में पुट करके देखना, तो आपको a से b तक का कुछ ऐसे रेंज आएगा, और आप a प्लस b कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आई थिंक इस बुक में दे रखा था, आई थिंक 1, पता नहीं 1 आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, तो आप ये निकाल के देख सकते। ठीक है सर, तो ये भी आसान सवाल है, हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम इसलिए जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि करा देंगे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा, थोड़ा और परे मतलब, नहीं तो आप क्या सीधे वीडियो देख ही लेते हो, अगर नहीं बना तो एक दो दिन परेशान हो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, बन जाएगा तो अंदर से बहुत खुशी होगी। ठीक है सर, तो ये हमने कुछ ये वाला टाइप पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। तो हमने आज क्या रेंज ऑफ किसका, रेंज ऑफ किस पर काम किया, लास्ट के 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, किस पर काम किया हमने, रेंज ऑफ इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग टाइप के सम को कैसे करेंगे, हम और एग्जाम्पल करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे इनवर्स, इस टाइप ये वाला टाइप है ना इनवर्स में बड़ा इस्तेमाल होता है, जब इनवर्स फंक्शन में पढ़ाऊंगा तब और फिर रेंज और डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, 2-3 लेक्चर बनाएंगे तब भी ये वाला टाइप आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से फिर स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रेंज, किस पे स्टार्ट करेंगे, वही रेंज के हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, नए नए और टाइप इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हमारा रेंज यूजिंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बचा है, मतलब अभी हमारे 2-3-4 टाइप और बचे हैं, उसके बाद आपका रेंज लगभग कंप्लीट हो जाएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, बस आपको करना क्या है, अब इस टाइप के सवाल ढूंढ ढूंढ के आपको लगाना है, कहाँ मिलेंगे वो, सिंगेज में, नहीं तो कोई सी बुक, दूसरी बुक देखो अगर आपको सिंगेज समझ में नहीं आ रही तो। ठीक है सर, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में रेंज का नया टाइप लेके। थैंक यू।